मतलब मेरी माँ का, का ये बंदरी थी जमा। इस नमस्कार मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं साथियों कैप्शन आपने पढ़ भी लिया है लव मैरिज का बुरा अंजाम जी हाँ एक ऐसी ही दर्दनाक एक लव स्टोरी आपके सामने लेकर के आए हैं भाई पूजा और संदीप की जिस लव स्टोरी को सुन करके आप हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि लव मैरिज के बाद जो पछतावा जो फ़िलहाल जो इनको लग रहा है उससे जो परिचित है हम आपको कराएंगे और बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं भाई लव मैरिज भी करना चाहते हैं और अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं लेकिन वो इस संशय में रह जाते हैं क्या लव मैरिज सही है या गलत है साथ ही एक लव मैरिज का एक जीता जागता उदाहरण एक पति पत्नी जो इस पश्चाताप की जो अग्नि में इस वक्त जो जड़ने लग रहे हैं एक परिवार एक माँ ने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जो ऑफ कैमरा जो बातें पूजा ने बताई थी भाई लड़की का नाम पूजा है और लड़के का नाम संदीप है इनकी ऐसी दर्दनाक जो लव स्टोरी है जो इन्होंने बताई थी वो कैमरा कि भाई परमपिता परमात्मा ने इनके साथ यानी कि इनको इनको इतना सारा सुख भी दिया था कि मतलब ये अपने जीवन में बहुत खुश थे लेकिन आज के टाइम पर इनको दुख भी इतना दे रखा है कि ये मानते कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो दुख है वो इन दोनों के को ही है इनका सोचना है ऐसा और जो जो ये फील महसूस कर रहे हैं ऐसा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी है तो ये जोड़ा है भाई सबसे पहले तो बहन जी राम 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 भाई राम राम संदीप भाई राम राम भाई बहन जी पहले तो रो मत एक बार देखो भाई आंखों में आंसू है क्योंकि जीवन में भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ में जो इस परिवार के साथ में जो इनके साथ में जो हुआ है बहन जी सबसे पहले तो बताइए एक बार आपकी जो लव स्टोरी है जो लव मैरिज है उसके बारे में आप एक दूसरे की जान पहचान कैसे हुई थी जान पहचान भाई फोन के जरिए हुई थी जो फोन रोंग नंबर आया था स्टार्टिंग में वो मेरी माँ का फोन पे ही आया था तो उसमें फोन में मैंने सोचा था किसी रिश्तेदारी का फोन है वो बाद में पता तो कौन था उनका भाई किसी लड़का मोर्सी का लड़का का उनका मतलब अल्लाह पता ही कौन था इस बात का नू कौन बेरा था भी फोन <coughs> यो है ना दो दिन लोगों तार फोन आया तीसरे दिन मैंने फोन उठाया फिर बातचीत होने लगी फिर बातचीत होंदे 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 बस आगे फिर तीन साल रहा हमारा रिश्ता खूब बढ़िया था जिब भी था शादी के बाद भी था

ऐसे ही फोन मिला दिया दोस्तों में बैठे थे तो वो कहने लगे बोले भाई इसकी तो कोई लड़की कोई सेटिंग नहीं है ये नहीं है वो नहीं है तो मैं तो गेम करता था वहाँ बेवानी और मेरा ऑफिस संभालता था सिक्योरिटी प्लेसमेंट का तो वो बार बार कहते रहते तो मैंने कुदरती वैसे ही फ़ोन मिला दिया मान लो मैं मेरे वो हो गया मैं चलो एक किसी तो बात करा के नहीं नू कह भाई मारे भी है तो फिर मैंने फोन मिलाया तो इसकी मम्मी का इस, इसी ने उठाया उठायाटिंग तो में तो ये मेरे को गाड़ी गलो देने लगी वो करने लगी फिर मैंने फ़ोन काट दिया था तो बाद में फिर बाद में इसका फोन आया तो ये क्यों उस अचंभे में थी कि, कि कोई गरकाई तो नहीं है तो ये फिर बात करने लगी बोले को तो तू कौन है कौन है मैं तुम्हारा यहाँ से हूँ ये काम करता हूँ और मैं बेवाणी से हूँ बिल्कुल चलो भाई देखो रॉन्ग नंबर था इनकी बातचीत भी हुई मतलब पूजा ने संदीप को गाड़ी गलोच भी दी फिर इनकी बातें होने लगी आगे वो तकरार कब प्यार में बदली वो तकरार भी फिर प्यार में कैसे बदल गई भाई आप इनको जैसे आपस में तू तु, तुम्हें में आप कहते भी थे भी फोन क्यों कर रहे हो गाड़ी गलोच भी देते थे फिर तकरार प्यार में कैसे बदली वो भाई कम से कम दस दिन तक नू है बस मेरा फोन ना कर दिए तू मेरा पे मैसेज ना कर दिए फोन ना कर दिए बस ये बात चाली दस दिन के बाद में फिर मतलब ये भी फोन माले हो गया भी मैं उसकी बात सुनू आवाज सुनू फिर तो हमारे हिसाब हो गया कि फोन चौबीस घंटे मैं मतलब कटा करता तो एक या दो घंटा कटाया करता रात ने भी दिन में भी तो मतलब दोनों आका खूब बढ़िया था इसके माले परिवार में भी बात एक दो बार गाँव में जाया करता तो घर क्या था बात करवा दिया करता नानी का जाया करता तो नानी तो बात करा दिया करता कि न्यू न्यू माले ठाकुर करा की छोरी है मैं उस पसंद करू हूँ नू न्याकरण की कव है मैं उस करूंगा इनके ताऊ है, है। तो मतलब करू मेरा तो मतलब प्यार था इनका भी प्यार था लेकिन इनने कि जिस लड़की तक मैंने बात करी है स्टार्टिंग में शुरू में है वह जैसा मैं दिल में चाहू था कि मैं भी ठुकरानी लेके आऊंगा तो वह मतलब या भी ठुकराणी है ठाकरा की छोरी है या भी तो मतलब एक वाह भी जिद्दी होगी एक इतना लगाव भी हो गया फिर बाद में हमने शादी भी करी है शादी करने के बाद में भी फिर घर पर भी सेप हाउस में भी रहे खूब सही रिश्ता था फिर तो अपने देखो भाई जब ये 24 घंटे मत यानी कि 20 20 घंटे जबनु गए भाई लगातार हम फोन पर बात करया कर दे उसके बाद इनके मन में आया कि भाई हमने शादी का एक पवित्र वंदन वंदना है लेकिन प्रेम प्रसंग के चलते इनको नहीं पता था कि भाई आज इनके ऊपर ये दुखों का जो पहाड़ है ये भी टूटने वाला है थोड़ी ही देर संयम और सब्र रखिए जो फिलहाल जिस दुखों जिन दुखों से गुजर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले जो पूरी स्टोरी है वो हम जान लेते हैं आपके जो परिवार वाले हैं आपके माता पिता हैं भाई बहन है या फिर हैं इसके जो जो माता पिता है उनका फिर आपकी शादी को लेकर के क्या कहना था आपने बताया अपने परिवार वालों को कि भाई मैं संदीप से शादी करना चाहती हूँ ना मैंने भी कौन बताई मेरे परिवार में किसी नहीं? ने भी नहीं बताई मैं अच्छा। हाँ उन पता था कि करेगी ना मेरी मां ने तो पता था भी करेगी भाई ने भी मेरा था करेगी पर इनका परिवार ने कौन बेरा था किसी ने इसकी माँ नु कहा कर बेटा नू ना आइये तू बाज के नू ना आइये हम नू ना आइये तो आपने भैया आप, कैसे फिर घर से बगैर बताए बाकर के आ थे संदीप माल ली फिर जो इनके यार दोस्त थे उनके साथ मैं ये आई फिर उनका घर पर रखी एक दो दिन फिर उन जो मेरे पास में था वो भी उनने बेच खाया फिर उन्हें करके भाई मतलब शादी तो करवानी पड़ी फिर चंडीगढ़ ले गए फिर शादी करवाई

मतलब वो लागे उनने मतलब ज्यादा बताया किसी के कि भी भी मेरे मेरे कागज़ कागज़ कुछ भी कौन थे मेरे पास में, तो सारे गे 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 तो। साथ जाने ऊपर तो उन्होंने वही किया जो यह वीडियो है या उन लड़के लड़कियों के लिए है जो बगैर माँ बाप की अनुमति के शादी कर लेते हैं भाग करके कोर्ट में चले जाते हैं सेफ हाउस में चले जाते हैं उसके बाद किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है यानी कि जो आपके जो दिल के दोस्त होते हैं वो दोस्त भी आपको लूटने का प्रयास करते हैं जो संदीप बताने लग रहा है कि भाई वो यार दोस्त भी ये सोचने लगे थे कि भाई इससे जितने ज़्यादा पैसे अट्ठे जावे या पार्टी करी जावे शराब पी जावे जितना इससे ज़्यादा पैसा खर्च करवाया जावे उतना ही ज़्यादा उन्होंने करवाया भाई जो टूम वगैरह लेकर के जो पैसा ले आई थी वो पैसा भी में उड़ा दिया इसके इनके जो जो यार दोस्त थे उसके बाद जो दर्दनाक जो इनकी जो कहानी है जो सच्चाई है वो शुरू होती है कि भी उनके इनका जो जीवन है फिर उसके बाद क्या, की जो के बाद है, क्या हो रहा आपको बहुत ज्यादा जिसकी कोई भरपाई हो नहीं सकती जिंदगी में तो हो नहीं सकती दूसरा जीवन लेना पड़ेगा और उसकी वजह जो मेरे सासरे के है सासु, सुसरे, नन, उनका कोई भी रोल को नहीं सारा मेरी माँ का नहीं। आज मैं तनते भी गई मनते भी गई सब कुछ मेरी मानक हो दिया जो मेरा सुसरा से हाउस में थे एकला लेहनिया था किसी की गाड़ी नहीं लेके गया किराए की कल कि न कोई नुकहद कि कि चमार होके एक ठाकरा की छोरी ने

शादी के बाद जो भाई इसके जो ससुर हैं इनके ससुर इनको सेफ हाउस से ले आए सेफ हाउस से लेकर के आने के बाद है। भाई देखो बहुत सारी अखबारों की सुर्खियां भी आपने देखी होगी सुनी होगी ये तो एकमात्र लव मैरिज है भाई लव मैरिज के बाद भी मैं आपको बताना चाहूंगा अरेंज मैरिज के भी ऐसे बहुत सारे केस है जो लड़की शादी के बाद अपनी माँ से और अपने जब पीहर से यदि ज़्यादा लगाव रखती है फ़ोन के कारण सबसे जो बड़ा कारण है शादी टूटने का यह मोबाइल फ़ोन है भाई यदि कोई शादी के बाद कोई भी लड़की अपनी माँ से यदि ज़्यादा रिश्ता रखती है बातचीत करती है छोटी छोटी जो बातें कर की यदि वो बातें शेयर करती है कि भाई आज हमारे घर में ये बातें हुई है छोटी छोटी बातों को लेकर के भी अपनी मां से यदि वो सलाह करती है या तो लव मैरिज है अरेंज मैरिज भी टूटती है भाई और अरेंज मैरिज के अंदर भी पति पत्नी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं ऐसे कई केस हमने देखे हैं और कल परसों भी नेशनल चैनलों ने भी और अखबारों की जो जो रिश्ता जो टूटने का सबसे बड़ा कारण है तो पीहर है जो लड़की का जो लगाव पीहर के प्रति होता है हाँ। पूजा आप क्या मानते हैं मैं तो यही मान भाई हाँ। चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो जो लड़की आपकी माँ की टच में रहोग माँ समझा कितने दिन अपनाओगी वो जैसे माँ प्यार करे उसे तेरी सासू तक करे मन मेरी नसीब माँ वो है फिर मेरी माँ पता नहीं क्या क्या उनके परिवार में करे है उनका परिवार में करा तो आपकी माँ को कह रहे हैं कि भाई मेरी माँ की वजह से हमारा घर है बिल्कुल मतलब आज बर्बादी की कगार पे हम हैं तो आपकी माँ को क्या कारण मानते हैं आपकी माँ ने ऐसा क्या कर दिया मेरी माँ मेरे दो भाई है दोनों भाई ने बर्बाद कर रखे बिल्कुल ही बर्बाद कर रखे है आप देख आओ हु। दो भाई छिक जुआन है दोनों जमाकदारे बुरी हालत Hmm. बाप है मेरा चार साल तक निकल रहे हैं hmm. गाँव में जाके रहो अपनी टाइम पास अपनी रोटी पोवा है खावा है सब कुछ आज मैं चार पांच साल तक मेरी माँ की टच में कोनी तो भी मेरा परिवार ने नहीं बख्श दी Hmm. फिर भी मेरे के रिश्ते टूने टाने hmm. कुछ भी कौन हो आदमी जब मरे जा तो के टूने है hmm. जब मरण ते बुरी हालत कर रखी हम जी जाएंगे टूणे टाने कि मैं को नहीं hmm. फिर भी वह लुगाई इतने जावा बूझे दिखावे मैं करे है रात गिर के जावे मतलब बस ना जो भी करना है उसने यही करना है कि मतलब या यो मकान है घर है जो सब कुछ है भी ने दे दे, ये मैं ने खुआ या किसी मर जा कौन चाल दी ना कुछ कर दी है उस टाइम मेरा गुड़िया होगी थी सेप हाउस में थे हम उस टाइम से हाउस में निकले जब मैं प्रेगनेंट थी उसके बाद में पांच या छह बच्चे मेरी माँ ने गिर मेरे इमोशन करवाए फिर भी न्यू न्यू कौन सोचा उसने कि मतलब तू इसकी खातरी है गोली लिया वे पिया हुआ फिर भी श्याम ने घास लिया खातर किस कुटी पता घास लियाँगी लिया लियावगी फिर भी मैंने वो करे मकान मेरा मनाया साथ में उनका मनाया चंडीगढ़ उड़ते सामान समान के ठाक मनाया मैंने इस तरह आंधी होगी मैं कि मतलब मेरी माँ का पर मंदरी का थी जमा इस तरह आंधी हो कि मैं सब कुछ मेरा घर परिवार सुसर गंदा बोलना ने ने मतलब इतना कुछ वह कर दे तू तो थोड़ी कम मान तेरी माँ की कम मान तेरी माँ की आज तो मेरे ऐसे की डिप्रेशन की मेरी दुआई चल है आज वालू लुगाई मतलब मैंने जमा बर्बाद करती हालांकि वो बहुत बड़ा मेरे कहना पुण्य का काम मेरा कह रहा के कराया होगा जी भी वो आदमी मेरा गला है नहीं मेरा गला नहीं होना था Déjalo ahí ये खून के जो आंसू जो रोने लग रही है आज जो पूजा इस ये सबसे बड़ा जो कारण है भैया बताने लग रही है कि भाई शादी के बाद इसके पति ने इतनी मेहनत करी है इतना खूब सारा पैसा कमाया है लेकिन वो पैसा इन्होंने अपने घर में न लगाने के बजाय अपने पति के घर में न लगाने के बजाय अपने पियर वालों के ऊपर जो पैसा सारा का सारा वो पैसा सारा का सारा अपनी माँ के ऊपर अपने भाइयों के ऊपर नौछावर कर दिया लास्ट एंड फाइनल आज इसके भाई और जो इसकी की माँ है वो कह रहे हैं कि वही हमारे दुश्मन बन गए हैं कर्मा की सजा पावा भाई मेरा बाप लिखा था जब ये बात कही थी चार साल पहले कि है नहीं छोरी का खाया ही छोरी का उजाड़ा नहीं चोरी का खावड़ा और था मुझ जुड़ोगी वाई बात वही बात है आज वह जमा बर्बाद है उनके घर चले जाओ माले पानी पीने भी गिलास भी न्यू लगा लो कि है तो वो मेरा है कुछ भी कोनी बहू है वह चली गई कुछ भी कोनी मैं तो फिर भी न्यू कहूं कि मतलब इतना तो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए है मेरा करया तो मैं भुगतन लग रही हूँ क्योंकि मेरा मेरा मेरी माँ ने करया उसके दूना तो मना था ना उस तो दूनी तो मेरी गलती है क्योंकि मैं उसके कई चाली उसके कई चाली मैं मेरी यही गलती है कि मैं उसके कई चाली हम्म तो कितना क्या मानते हैं आप भाई अगर आपके जो पति जो काम करते थे संदीप क्या काम आप शादी के बाद जैसे क्या काम करते थे कितना क्या पैसा मानते हैं भैया इन्होंने अपने पियर में पहुँचा दिया कम से कम ये लगा लो मोटा मोटी बारह तेरह लाख रुपये तो के चलो कम नहीं होंगे ज़्यादा पाएंगे और वो तो माँ तो क्या है माँ के नाम पे एक कलंक है क्यों माँ है क्यों कलंक है क्योंकि कोई भी माँ हरियाणा के अंदर लगा लो या इंडिया के अंदर लगा लो कोई अपने जो बेटे हैं बेटे वंश होता है बेटी को चलो इग्नोर कर देते हैं लेकिन बेटा वंश चलाता है तो उसके मतलब झूठे नेम उठाने वाली माँ कोई नहीं होगी मेरे से आज से लगा लो तीन साढ़े तीन साल हो गए तब उसने दस दिन का नाम लिया था और साढ़े चार हजार रुपये बैंक से मैं मेरी पत्नी की तुम छुटवा के लेके आया था कहने तो राखी थी वहाँ मुथरूट फाइनेंस में तो राखी थी कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी मकान में तब ये रख के आई थी मैं था नहीं यहाँ तो मैं उनको छुटवाने के लिए गया था इसकी मम्मी साथ में ले गई ये तो ये इसकी मम्मी बोली बेटा मेरे को इतने रुपये दे, 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 दे दो पाँच हज़ार साढ़े चार हजार रुपये दे दो मैंने देने किसी की वो घर बार बार चक्कर काट रहा है मैं तेरे दस दिन में नहीं लुटा दूंगी तो महा चल मैं पिछली ना कर दी पहला जो दे रखा वो मैं उस तरह ना तो कदे नेम ठुआ ना कि मैं और मा इन रुपया का नेम ठा ठाया तू तो कितने दिन में देगी तेरे दोनों छोरे का छोरे की सरपात इसकी इस पर धरना लगा मैं मना कर गया मैं नहीं इस पर नहीं तेरे छोरे का नेम का मैं मेरा दे दे मन तो बेरा दे वो कौन नहीं तो फिर बाद में उसको नहीं बोले मेरे दोनों छोरा है नेम मैं तेरे दस दिन में दे दूंगी वहाँ दस दिन छोड़ दूँ वहाँ बीस दिन ले डबल टाइम बीस दिन में लेकिन इक्कीसवा दिन नहीं होना चाहिए नी उन बात साढ़े तीन साल हो गया मैं तो एक बार तो कहा इक्कीसवा दिन तो मैंने बोला था मैं के बात उस दिन के कहो थे आप कि मैं बीस दिन में दस दिन में दे दूंगी आप तो इक्कीसवा दिन निकले मैंने बीस दिन का टाइम दिया था तो फिर उसने फोन काट दिया नूली कौन दू बोला तेरे तो राम के थे नली तेरे तो राम के थे बोला मैं के तेरा तो राम के आऊ मैं फोन कर दिया उस दिन के बाद मैंने फोन नहीं किया ना ही मनून पीछा जिक्र गया बिल्कुल देखो भाई इतना बड़ा यानी कि रिश्ते भी खत्म हो गए और जो भी इनका पैसा था वो पैसा भी चला गया और उसके बाद रिश्ते खत्म होने के बाद और पैसा जाने के बाद ये सिलसिला यही नहीं रुका ये एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए भाई आज के के टाइम पर ये मतलब एक दूसरे दुश्मन ही है क्योंकि जो कैमरा भी बताने लग रही थी कि जब भी मेरी माँ सड़क से निकलती है तो किस प्रकार का इशारा जैसे आप बता रहे थे इशारा मतलब ये इशारा करे कि ये बर्बाद हो जा ये मर जा कोई भी हमारा जानकार हो उसका आगे मतलब झूठी साची लगानी या कुछ और कहना तो मतलब ये है कि मतलब मैं किसी ने बताना कि मैं उस छाने का चली जाऊंगी उनको उजाड़ दूंगी मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी ये बात रख है हालांकि मतलब तो बड़ी बात तो यह है कि जो मेरी ससुराल की फैमिली है उनका उनकी टच में ज्यादा है वह तब मतलब उन फिर उनके उजाड़ने फोन करने बात करनी मतलब ये ज्यादा रख है तो आपके जो सास ससुर हैं, जो आपकी ननद है भाई आप बता रहे थे कि वो अच्छे हैं, मैंने उनकी मैं सेवा नहीं की इसलिए मैं उनकी दुश्मन बना दिया आपकी माने क्या कारण है भाई आपके जो सास ससुर इतने अच्छे होते हुए भी आप बताने लग रहे हैं भाई आपके सास ससुर आपसे दूर क्यों हो गया अलग रहते अभी आपके सास हाँ, ससुर गाँव में रह अच्छा, क्यों अलग हो गए आपसे अभी क्या अलग तो यही बात है भाई की मतलब ईबे थोड़े दिन पहले मेरा सही था तीन साल थे भी इनका चोट लगी थी एक्सीडेंट हुए थे ये उनका रिश्ता ठीक था उनका साथ में फिर मेरी नन्द, सारे मेरे पास आए छोरा का जन्मदिन था उस दिन रात मेरी माँ भी आई मेरा भाई वो दारू पी पी के मतलब बहुत गंदी हरकत करा था बहुत ज्यादा गंदी हरकत करा था बस उस टाइम गुस्से में ये मैंने कुछ बोल पड़े फिर मैं उन बोल पड़ी फिर मैंने भी नर्द ने कुछ कह दिया जो नर्ंद ने कुछ कह दिया उस दुख से फिर सासू ससुरे बोलना चलना बंद कर दिया तो आपकी माँ और आपके भाई भी आ रही थी उस हाँ दिन, हाँ, उस दिन तो आ रहे थे भी भी। हाँ, उस दिन, दिन, भी भी हाँ, उस की दिन, दिन पहले की बात है ये हो गई चार पाँच महीने तीन चार महीने अच्छा ये छठे महीने की हुँ। 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 क्या क्या बात होगी हाँ। दूसरे दिन जन्मदिन पे भैया का इतना बड़ा विवाद हो गया ये जन्मदिन पे बात तो ये थी उनका इसका छोटा भाई जो वो किसी और मकसद से आ रहा हुआ था उसकी माँ किसी और मकसद से आई हुई थी और इसकी भाभी थी वो भी किसी मकसद से इसका बड़ा भाई था वो उनको ये आने लेके नहीं आया उसको वहीं छोड़ दिया घर पे तो वो क्या है कि यहाँ पूरा प्रोग्राम हो गया प्रोग्राम केक कटने के बाद में सिलसिला चालू हो गया मैं इसको पहले ही बोल दिया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बोल दिया था उनका नेचर देख के मैं इसको बाहर लेके गया वहां गेट के पास मैंने बोला इसको महादेव देख ऐसे सी बात है मैन की है रली मिली सरकार

ये yeah, या फिर काम कर आ, काम करा थे अंदर रोटी खा के मौसी के छोरे आ रहे थे दो एक वो उनके साथ मरा कर आडे तो वह रोटी पानी खा पी के चले गए थे जो आ रहे थे वो भी सारे चले गए थे सारे मतलब मेरे परिवार वाले बच गए थे और इसके परिवार तो वो तो उनको भी जाना था प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मतलब उनको भी जाना था वहाँ लेकिन वो किसी और गुटमुट में थे उसका भाई है वो उसकी भाभी के साथ गलत है तो उस चक्कर में हुआ था बाहर क्यों घर में उसका बड़ा भाई नहीं बढ़ने देता उसको तो वो यहाँ आ गया पर उसको उसकी भाभी और उसका भाई तो यहाँ हम तो ऊपर थे तो लड़ाई ना हो अपना ऊपर चले गए थे हम तो ये सारे गद्दे बैठ गए गद्दे निकाल गए गली में कच्चा है वहाँ वहाँ लेट रहे इसका छोटा भाई और इसकी भाभी यहाँ लेटे हुए हम हुक्का बढ़ने उतरे मैं और मेरा जो बटे था हमारा काबर के लिए बार पैसा पानी करके आए तो ऊपर चढ़े फिर बाद में मैं बड़ी मुश्किल से ही मतलब आठ निकले को नहीं इतने गंदे व्यवहार करने के बाद भी मतलब बेजलील आदमी मैंने तो कोई सृष्टि पे ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकता कि इतना गिरा हुआ भी इंसान कोई होगा जितनी इसकी माँ है क्योंकि अगर माँ ही सही होगी तो बेटा बेटी थोड़ी ना गलत हो सकते कैसे गलत होंगे तो इसी वजह से देखो भाई बहुत पूजा आप ओसवासवास में बताने लग रहे हैं कि भाई आपकी देखो कोई बेटी अपनी माँ को बुरी नहीं बताती लेकिन आप अपनी माँ को ही बुरा बताने लग रहे हो माँ का तो माँ ने बुरी नो बताऊँ ना भाई कि उसने मेरा घर बिल्कुल ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उसने आज मेरे सा दिन हो गए दस साल दस साल मैं उस लुगाई नहीं चार साली भी जन्मदिन की बात करें जन्मदिन में ना मैंने दो साल तक मेरी सास मेरे सुसरे सारे को चीज़ की कि मैं दो साल तक बात कौन करूँ थी हालाँकि मेरे इस्तेफाल तोड़ के पूछा भाई कि मेरा इनके इनके इसके है उनका तीन लड़के हैं उनका लड़के और तो 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 मेरा, मेरा, मेरा बच्चे होना रह गए मैंने इशार में जो जिंदल था लेके जो छोटा था छोटा लेके बड्डा तो बड्डा हॉस्पिटल मैंने जो दवाई नहीं खानी थी इतनी खा ली जितनी कुर्सी पे भी को इतनी मोटी हो गई थी मैं दवाई खा खा के फिर भगवान की दया तक दुआई यहाँ ते फेर होया छोरा यो तो ढाई साल का है मेरा ही। तो इसमें मतलब इसका जो मैं या सोचू की मैं इसने भी कई माना मेरा तो पीड़िया तो अपन लगाना पड़ेगा एक नाम हो जाएगा बिनागा उनके आ तीन -तीन रहे हैं मेरा भी तो मैंने जितना सत्तर अस्सी हजार रुपये लागे हमने दोनों ने पीछे लगाए उस टाइम हम स्कूल में लग रहे थे दोनों जने स्कूल में वो वही घर छोड़ के स्कूल में रहया करते वही काम कराया करते स्कूल में तो मैंने अपना वो करा तो मैं मेरी माँ गए एक बात रोई कि मम्मी मैं तेने तो इतने पीजे दिए मैं तेरे इतनी कमाई ब्याह के बाद में भी तेरा मकान भी बनवाया मैंने खुद भर्ती करी मेरा भाई मिस्त्री है हम डैडी एक रुपया नहीं दिया आज मेरा मकान बनाने के बाद में उसका मकान बनाया बस अंदर अंदर उसने बनाए है बार मैंने और मिस्त्री लगाया लेकिन उस आ उस छोरे ने एक अपना मकान बनाए बाद में कितने चेजी नहीं कर सक वो कितने भी नहीं कर सकया वो चेजी मैंने एक बात कही मम्मी मैं इतनी कमाई मेरा एक चांद एक पीड़िया तो लै दे वो तो मेरे पीछे का ना हो और सामान तो मैं सोपिंग कर ली सारी सुंदर भी के हंटी छोरी इतनी रो के कह लग रही तो, तो दुआ दे देने कितने दुआ दे भाई पीछे को भी छोरे काम कौन कर दे गायाम घर घर चल रहा है मगहा ठीक हम उड़े चले गए उड़े जाने के बाद में मैंने पूरा मारा खर्चा लगाया वो लगा मैंने मतलब मैंने दिया कितने साथ है। हर बार मेरा उजाड़ है उजाड़ है फिर नू का तू तेरे सासू तो ना बोलिए तो उनका गला बिगाड़ ले तू इसने काट दे हालांकि ये चले गई थी तीन चार महीने पहले पंद्रह दिन तक फिर आए वापिस है चलिया जाया करता दो महीने तीन महीने फिर आ जाया करता क्योंकि बेरा था भी मतलब माँ की सिखाई में चाल पेट पाप तो कौन पेट पाप तो कौन नहीं माँ की, की। <laughs> है भूखी तीसरी रहेगी है दुखी होगी लेकिन पेट पाप तो कौन नहीं जब भी इस आदमी ने आज तक साथ दिया नहीं हर एक आदमी हो तो साथ कौन दे

चलो भाई देखो सबसे बड़ा जो कारण है भाई वीडियो बनाने का मैन उद्देश्य तो यह है कि भाई एक तो जो इनका दुख भरा जो जीवन है इस बेबे के फ़ोन आए थे कि जब भाई मैं इतनी दुखी और इतनी तकलीफ़ों से गुजरने लग रही हूँ कि मैं मरने को मजबूर हूँ इन दोनों का जो दुख है वो आपके सामने भी है और जो क्या कारण है वो कारण भी निकल कर के आने लग रहे हैं एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इससे अगली जो वीडियो है उसमें भी हम आपको दिखाएंगे और बताए भी कि भाई इनको इनका जो जीवन में असल कारण क्या है लेकिन भाई एक तो जो ये मोबाइल है यानी कि पहले जब मोबाइल नहीं होते थे यदि पति पत्नी की कोई भी लड़ाई तो तु, तुम हो जाती थी तो कुछ घंटों के बाद आपस में मना मनाई भी हो जाती थी लेकिन आज यदि पति पत्नी की छोटी छोटी बड़ी कोई भी तुत में यदि लड़ाई हो जाती है तो तुरंत बेटी अपनी माँ को या अपनी जान पहचान वाले रिश्तेदारों को फोन करके बता देती है फिर कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव ही रिजल्ट आता है उसको एक ऐसी नेगेटिव सलाह दी जाती है जिसके कारण पति पत्नी का रिश्ते के अंदर एक खटास पैदा हो जाती है संदीप कुछ कहने लग रहा था अभी जी क्या कह रहे थे ऐसे संदीप भाई पहले कुछ और था अब कुछ और है मतलब जो भी मतलब गलत सिखाए मतलब खुद का दिमाग भी तो होना चाहिए बिल्कुल दुनिया है दुनिया तो मार के सोती है सुबह पहले फिर उठ के फिर उठ के सामने दिखते हैं उनको तो ये बात खुद का दिमाग भी यूज करना चाहिए कि जमा बिल्कुल पागल नहीं होना चाहिए कि मतलब वो कह रही तो वो ही सही है गलत भी हो सकता है बिल्कुल हर चीज़ के दो अर्थ होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव अपनाना चाहिए ना कि नेगेटिव बिल्कुल भाई चलो भाई फिलहाल ये वीडियो आपने देख ली इससे अगला जो पार्ट है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इससे अगली वीडियो में जो पूरी जो जानकारी है वो हम आपको बताएंगे इनकी खतरनाक दर्दनाक लव स्टोरी को लेकर के फिलहाल कमेंट बॉक्स में अब इनकी जो कहानी है जो सच्चाई है वो आपके सामने अब यह फिलहाल मर्यादित भाषा में कॉमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो इस वीडियो को देख करके क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर लिखेंगे कोई लव मैरिज को गाड़ी देगा कोई अरेंज मैरिज को देगा कोई इन, कोई इनके बारे में भी नेगेटिव बोलेगा, बोलेगा, पॉजिटिव बोले क्योंकि भाई दुनिया है किरिया किरिया आप सब का है, है, क्रिया आप कार्य जरूर बताइए एक बार इस पूरी वीडियो को वीडियो को को लेकर क्या आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए अपने निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया